सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सैमसंग M51 की अनबॉक्सिंग करेंगे और ये जो कलर है ये है आपका ब्लैक, सेलेस्टियल ब्लैक कलर है। तो देखिए इसके पहले भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक ब्लू जो कलर था। तो इधर हम मेन जो है कंपेरिजन करेंगे जो M51 सैमसंग का आपका फ़ोन है तो सेलेस्टियल ब्लैक और इलेक्ट्रिक ब्लू में से कौन सा अच्छा है, ये आप खुद ही जो है वीडियो में आगे देख के पसंद कर सकते हो। तो अभी देखिए मैं जल्दी से अनबॉक्स करके बता देता हूँ, हालांकि इसके पहले मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ। और आप तो बॉक्स में जो एक हैंडसेट चार्जर और चार्जर की जो केबल होती है जो कि सी टाइप टू सी टाइप है वो मिलेगी। तो इसमें ब्लैक कलर का चार्जर है और ब्लैक कलर की केबल है, ये है आपका सेलेस्टियल ब्लैक कलर। और इलेक्ट्रिक ब्लू लेते हो तो उसमें वाइट कलर का चार्जर मिलेगा और वाइट कलर की जो है केबल मिलती है। बाकी ये देखिए ये है हैंडसेट आपका सेलेस्टियल ब्लैक कलर। तो देखिए एकदम ब्लैक नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ तक कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो ब्लैक कलर ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि डार्क ब्लू कलर है। तो बिल्कुल सही बात है, एकदम ब्लैक कलर ये लगता ही नहीं है। तो देखिए मैं डे लाइट में आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो हूँ मैं इलेक्ट्रिक ब्लू कलर को भी लाऊंगा और दोनों का कंपेरिजन करूंगा, लेकिन पहले जो है आप इस सेलेस्टियल ब्लैक कलर को देख लीजिए अच्छे से। तो कलर की बात करूं तो वैसे तो अच्छा लग रहा है कलर, ये कोई ऐसा बुरा कलर नहीं है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक ब्लू कलर को भी लाते हैं साथ में। तो ये देखिए राइट हैंड साइड में जो है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर और लेफ्ट साइड में जो है आपका सेलेस्टियल ब्लैक कलर। तो ये जो है मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, हालांकि अमेजोन पर ही मिल रहा है। तो मैंने ख़रीदा है भाई इसको 19,500 रुपये में। तो अभी जो इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, अभी आपको 22,500 में मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इसमें ऑफर चल रही है, आपको 3,000 रुपये जो है फ्लैट जो है डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आपको 19,499 रुपये में ये मोबाइल मिलेगा और ये मैंने जो है अमेजोन से 19,499 रुपये में मंगवाया है। तो अभी अगर ऑफ़र है तो आप भी इसको खरीद सकते हैं, फिलहाल तो ऑफ़र ही चल रही है और अभी मेरे ख्याल से दिवाली तक चलेगी। तो अगर आपके पास कार्ड है सिटी बैंक का, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप भी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों कलर में से भाई आपको कौन सा पसंद है आप खुद ही देख सकते हो, अगर आप M51 खरीदने का सोच रहे हो तो। तो देखिए मेरे पास जो है ये 6 GB रैम वाला है, 6 GB रैम और 128 GB जो है इसकी स्टोरेज है, हालांकि इसमें 8 GB रैम वाला भी आता है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 GB रैम सफिशेंट है और इसमें जो है माइक्रो एसडी कार्ड अलग से भी लग जाता है। लेकिन इसका जो बैक है प्लास्टिक बैक है और प्लास्टिक फ्रेम है, इसमें कोई ग्लास बैक नहीं मिलेगा, जिस कारण जो है बहुत ही जल्दी जो है इसमें आपके फिंगर के जो है निशान आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, पीछे जो है वैसे भी बैक कवर तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। तो वैसे ही मोबाइल थोड़ा सा भारी है, ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन 213 ग्राम का है, तो डर है कि मतलब पीछे का जो बैक है वो टूट सकता है। तो पीछे जो है आप प्रोटेक्शन यूज़ करिए, कोई भी कवर वगैरह लगा लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो मैं बताऊँगा आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा कौन सा कवर जो है आपको परचेस करना चाहिए। तो इधर देखिए मैं फिंगर लगा रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, हालांकि आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है ना इसमें बहुत जल्दी फिंगर लगते हैं, हालांकि जो सेलेस्टियल ब्लैक कलर है इसमें भी लगते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों का कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रिक ब्लू में जो है बहुत जल्दी जो है ये फिंगर के निशान आते हैं, हालांकि ये मैटर नहीं करता क्यों। तो भाई काफ़ी अच्छा मोबाइल है, 7000 mAh की बैटरी है, 25 W का चार्जर है और 115 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। 6.7 इंच का जो है डिस्प्ले दिया है, वो भी एमुलेट डिस्प्ले है, 393 PPI डेंसिटी है इसकी। तो काफ़ी जो है मुझे मोबाइल पसंद आया। तो इधर तो कलर थे, तो कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सा कलर लें, तो इधर जो है मैंने दोनों को कंपेयर करके बता दिया है। अब आपका जो कन्फ्यूज़न है दूर हो गया होगा कि आपको कौन सा कलर खरीदना है। तो भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो अगर मेरी पसंद के बारे में बात करें तो मुझे तो दोनों ही एवरेज लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है अगर बात करूं तो सेलेस्टियल ब्लैक मुझे अच्छा लगा है, हालांकि जो कलर है दोनों ही एवरेज हैं, सैमसंग ने उतने अच्छे कलर नहीं निकाले हैं। M51 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, डिस्प्ले भी अच्छा है, बैक कैमरा भी अच्छा है और फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको खरीदना है तो 20,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन आपके लिए साबित हो सकता है। तो इसको आप जो अमेजोन से खरीद सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उधर से जो है आप इसके बारे में और भी स्पेसिफिकेशन वगैरह पता कर सकते हो। तो इसके बारे में और भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आने वाले समय में, इसके बैक कवर को लेके कौन सा बैक कवर आपको लगाना चाहिए और कौन सा जो स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए, इन दोनों को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप M51 खरीद चुके हो या खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।